कॉमेडी लगाएंगे बाद में। वो बोल रहा था कॉमेडी लगाओ, ठीक है भोजपुरी बारिश हो रही है यार, हल्की हल्की हो रही। राम राम भाई लोगों, क्या हाल चाल है? तीन चार दिन हो गए यार, आजकल तो आया नहीं, कभी कभी मन नहीं करता यार, क्या करूँ ना भाई, कब से सोए पड़े थे। पिछली बार तो आपने 500 लिए थे, दो के नहीं यही था। चलो दोबारा आओगे फ्री। चाय पियो या सूप पियो? सूप पियो। तो नेपाली रेस्टोरेंट है, बहुत बढ़िया हो। ये नीचे की देखो, नीचे की सीटिंग है भाई, ठंड तो हो रखी है बहुत, बट मज़ा भी है यार। काफ़ी टाइम बाद बारिश हुई है, बहुत तगड़ी बारिश, मतलब वैसी नहीं होती थी, काफ़ी टाइम बाद तगड़ी बारिश हुई। आजा आजा मोटे। ओ हेलो, ओ भाई ऊपर भी देख, सचिन सचिन डार्लिंग, ये कहाँ से आ गया भाई? सब आ गए, जब यहाँ आए थे भाई उस समय ना उतना नहीं था, मैं अभी कितना कमजोर था, है ना, मैं तो अभी भी उतना ही है, मतलब उससे ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत तो हुआ है। भाई साहब हमारे फूल गए। अरे यार दोनों चीज सूप आ गए। अरे यार एक सूप तो और बोलते थे, सूप तो इसमें ट्राई कर लियो। उस दिन की फोटो है यार, जब मैं और सचिन भाई आए थे, साथ में आए थे, देखो यहाँ सचिन भाई को देखो, तेरी मूछें थी, अपनी मूछें भी गायब, यहाँ सचिन भाई को देखो, मैं मूछें रखता ही नहीं हूँ। क्यों? और भी फोटो होंगे उस दिन के, ये लाइक मुझे ना दूजा जब ना, ये भी तो दिल्ली था, देखा तू? हाँ दिल्ली में था, पर मिले बाद में थे। मोमोज है तो बढ़िया भाई, मोमोज तो यहाँ के बढ़िया होते हैं, ये चीज़ तो मैं पहले भी खाया था, खाई मोमोज बढ़िया है भाई। सचिन की थाली आई है, दिक्कत तो मस्त रही है भाई, इससे ज़्यादा और क्या खाएगा? अच्छा चपाती, चपाती देती हो? चपाती नहीं होती, कल पर तो एक बच्चा है ना जौनसारी में, मतलब अपने कहीं गांव में होगा बच्चा, गुरजी तो बोल रहा है ना, बस जुकाम लगे हो और डर के जाओ, मतलब जुकाम आ रखा, मैं तो मैं घर जा रहा हूँ, फिर मैं ऊपर आता हूँ। आजकल यार थोड़ा तीन चार दिन हो गए थे, चार पांच दिन वीडियो नहीं बना रहा था। कभी कभी होता ना यार कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती ना तुम्हारे साथ, मतलब जो तुम सोचते भी नहीं हो कि ऐसा भी हो गया, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी लाइफ में, ठीक है, तो ठीक है
फिलहाल तो सॉर्ट आउट है। चलो यार पहले तो म्यूजिक म्यूजिक लगाते हैं ना बढ़िया सा, फिर सफाई करते हैं। पुराने गाने में मजा ही अलग है यार, है ना। तेरा गोते फागुनाली मैं तेरा जो जोड़ा सुनाली बाकी यार आज मैंने एक वीडियो डाली थी सुबह वो मानथात के वही देख रहा था, अलग ही मजे आए थे यार उस दिन मानथात के ऊपर। एक अलग ही बोलते हैं ना कि जौनसार का जो कल्चर है ना वो इसलिए क्यों इतना मतलब प्योर है, क्योंकि उस कल्चर में ना एक वो है यार कि लोगों को जोड़ने की वो है, पता है मतलब ये नुड़ाई भी है तो लोग बाग मतलब ऐसे नहीं मिल पाते। देखो सब अपने अपने लाइफ में बिजी है, बट ये त्यौहार के कारण ना कि हाँ जो ऐसे त्यौहार होते हैं नुड़ाई हो गया बहुत सारे और भी त्यौहार, इसमें क्या लोग बाग सारे इधर उधर से आके यहाँ पे इस जगह पे इकट्ठे होके फिर नाच गाने लगते हैं, अपनी संस्कृति दिखाई जाती है, फिर लोग बाग एक दूसरे से मिल भी पाते हैं। अभी जैसे मैं हो गया, मेरा दोस्त होगा कोई जो मैं मिल नहीं पाया, फिर हाँ भाई चलो वहाँ आएंगे, वहाँ उस विश्व में जाएंगे, अब वहाँ नुड़ाई में जाएंगे, वहाँ मिलेंगे, तो मिलना चलना भी हो जाता है। तो मैं उसका क्या है, एक ये जो संस्कृति है इंसान को जोड़ती है, मतलब जोड़ती है, फिर आपको अपनों से मिलाती है तो अच्छा लगता है, पता है। बाकी तो कल्चर अपना तो जौनसार का बढ़िया है ही भाई, मस्त कल्चर। फिलहाल तो यार टाइम हो चुका 11:15 हो गए, मैं भी उठता हूँ यार, पांडे और माँ और आने वाला हो गए है ना, ड्यूटी है मेरी, तो आज छुट्टी थी, कुछ खाना खुना बना लेते मेरे। ये दिन में ऐसे ही बर्तन बर्तन ला के इधर ही रखते, पहले तो बर्तन धोते हैं ना फिर खाना बना। सब्जी हो गई रेडी, लौंडे भी आ गए, आज तो ठंड तगड़ी थी ना, ठंड तगड़ी हो गई। ओले हाँ ये ओले पड़े थे, अच्छा तभी वो बोल रहे थे स्नो पड़ी स्नो पड़ी। हाँ ये ओले जब ये गांव में पड़ते हैं ना फसल पूरी बर्बाद हो जाती है, पता है जैसे कुछ फसल वगैरह होती है ना उससे पूरी ऐसी तैसी हो जाती है भाई। इधर भी ओले पड़े हैं, चार साल में मैं पहली बार देखा है कि इधर ओले पड़े, देखे तो नहीं मैं वीडियो में देख रहा हूँ, कहीं पड़े होंगे। कुबेर टावर के साइड भी पड़े थे हैं, रेस्टोरेंट साइड भी पड़े थे ओले, उधर हाईवे साइड पड़े होंगे है ना, सऊदी हाईवे वगैरह उधर पड़े थे यार, इधर नहीं पड़े। भब्बे तूने 4 साल में पहले कभी कुवैत में ओले देखे? ओले ओले नहीं यार, आज कोई बोल रहा था ओले पड़े नहीं भाई, आज सही में पड़े थे, वीडियो 2-3 वीडियो है पता है, बार में आ जाएगा। हम चलते हैं ना, दादू को छोड़ते हैं अकेले किचन में, आऊंगा खोजेगा खुद पानी पिएगा भाई। मैं तो बोल रहा हूँ चलो दादू खा लो हमारे साथ, मैंने बनाया है, पर दादू अकेले ही अच्छा मानते हैं यार खाना, तो हम चलते हैं अपनी सब्जी उठा के और दादू अपना खाना खाना बनाएंगे है ना दादू। चल बब्बे कौन सी रोटियाँ, ओ रोटी छू ये रोटी लेनी आती है, पांडे क्या उठा के लाया फिर, ओए पांडे तू उठा के क्या लाया, कहाँ है अरे कौन ये, माय गॉड कतई लेजेंड आदमी, मैं बोल रहा हूँ किचन से क्या लेके आया, बोलता फोन लेके आया वो, गजब है यार पांडे। पांडे को मैंने बोला तू किचन से क्या लेके आया इधर, बोलता रोटी, बोल रोटी कहाँ है, अरे नहीं फोन लेके आया, फोन तो चलो यार खाना खुना रेडी है, पांडे लगा दे कुछ डिक्चिक 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 नहीं कॉमेडी लगा, ये आदमी की पैजामा है यार, यार कॉमेडी लगाओ कुछ भी लगा दो यार, डिक्चिक डिक्चिक लाली चाटा तो सुनो ना।
ये भाई ये कुछ भी बोलते हैं, चलो खाना भी खाते यार, सॉन्ग मत लगा यार, डिक चिक डिक चिक सुनना, ए मां सुनने दे यार, डिक चिक डिक चिक, भाई ये थोड़ी बात हुई है भाई, तो म्यूजिक एक डिप्रेशन में आ जाता है, म्यूजिक ये कैसी ऐसी दवाई है ना जो तुम्हारा डिप्रेशन सर दर्द जैसा भी हो सब दूर कर देता है, ये भाई ये कौन सी बात हो गई, तू डुक चुक लगा यार, देखा जाए डुक चुक डुक चुक, पर ये गाना भी तो खतरनाक ही लगाएगा, दिक्कत तो ये भी है। बताइए पांडे अभी क्या हुआ, नहीं बता सकते यार, कैसे यार इंसान है यार आसी, देख यार काना काना बैठा था यार, गाना लगाया काना उठाया अच्छा दो रोटी उठाई भग गया यार, अबे यार गुस्सा हो जाता है यार, लिया यार बुला के चला जाया, चलो दोनों उठा के लाते कॉमेडी लगाएंगे बाद में, वो बोल रहा था कॉमेडी लगाओ ठीक है, भोजपुरिया कॉमेडी बुला सकते हैं और कोई नहीं, कॉमेडी लगा दी बोला आजा, बोले भाई कॉमेडी लग गया आजा, परेशान हो रखो आजकल यार पांडे, और परेशान करता है यार पांडे, दिस इज नॉट गुड, नाक परेशान कॉमेडी लगाने कसम से, देख ले कॉमेडी लगा, देख देख ले कॉमेडी नहीं लगाई अभी, देख क्या है ये कॉमेडी नहीं है, बता बैठ जा चलो यार खाना खुना सेट, पांडे इधर अपने फोन में सेट, माँ अपने फोन में सेट, हम भी सोते हैं है ना, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू अगेन।